राम राम भाई। आज आया था मैं प्रभात भैया के पास दोबारा से अपनी सफारी साफ करवाने। वर्कशॉप का नाम भैया बता देंगे कह रहे हैं। बताइए, जल्दी बताइए। श्री संघ स्वरूप ऑटोमोटिव पंडरा सीधी। और ऑफर वगैरह बेहतरीन चल रहा है, आके एक बार देख लीजिए। चल रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी भैया के थ्रू। सही है, धन्यवाद। अच्छा, आज आया हुआ था तो भैया मिले यहाँ पर। भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? आर सी सिंह। और ये जो आपकी क्या कहते हैं इंडिका आती थी, इसके ओनर हैं। और इनसे बातचीत ऐसे कर रहा था तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। तो जो हम बात कर रहे थे भैया, वो थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस टाटा के साथ कैसा रहा है। मेरा तो अच्छा रहा है, मैं तो टाटा की गाड़ी पसंद करता हूँ। सही है, सही है। और ऐसा जो नाम बदनाम है कि बहुत खर्चा देती है, मेरे में तो नहीं है, दुनिया का मुझे देख के नहीं पता। सही है। और अभी जैसे आप कह रहे थे कि अगर जो आप ये वाली गाड़ी निकालते तो दोबारा टाटा ही लेंगे, तो जिस तरह की बातें चलती हैं मार्केट में या जिस तरह के मतलब जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, रूरल बेल्ट कहलाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो रफ चलता हूँ, इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, ये रही भैया की गाड़ी। लग कितना चला दी भैया आपने इस गाड़ी को? 1 लाख के आसपास। और अप्रॉक्स जो आपको इसका सर्विसिंग कॉस्ट आता था वो कितना आता था? सर्विसिंग कॉस्ट क्या आता है, 2-3 हज़ार आता है, 4 हज़ार ऐसे ही आता है। कभी आपको ऐसा तंग तो नहीं किया कि जितना लोग? मुझे तो अभी तक दिक्कत नहीं है। सही है, सही है, सही है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो। जय हिंद, जय भारत।